गेमर्स कैसे हो आप सब गाइज। हम सभी को पता है कि BGMI या फिर PUBG मोबाइल पे बहुत सारे अभी सेटिंग्स ऐड हो चुके हैं। अलग अलग सेटिंग्स के अलग अलग यहाँ पे है ना ऑप्शन देखने को आप सभी को मिल सकता है। लेकिन गाइज अगर मैं आप सभी को बताऊं कि एक ऐसी सेटिंग्स है जिसको अगर आप इनेबल करते हो, अगर आप गेम प्ले कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, BGMI खेल रहे हो या फिर PUBG मोबाइल खेल रहे हो, अगर आपका बंदा आपको देखे ना तो यार सोचेगा यार आप कैसे इस चीज को कर रहे हो। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये चीज है ना ज्यादातर स्ट्रीमर्स लोग भी कर सकते हैं। अगर स्ट्रीमर्स लोग ये करेंगे तो गाइज उनको स्ट्रीम करते वक्त है ना बहुत ही आसानी होगी। और साथ ही साथ अगर प्रो बंदे लोग हैं उसको ये यूज करते ही हैं, लेकिन यार मैंने बहुत सारे कम लोगों को देखा है कि इसको यूज किए हुए। अगर आपको पसंद आए थी सेटिंग्स को तो यार आप जरूर से इसको यूज करना। अगर पसंद ना भी आए तो यार प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये जो सेटिंग्स है ना ये आप सभी को कंफर्टेबल फील दे रहा है नहीं। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यार, बहुत ही ज्यादा कमाल की है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर कर देना। तो दोस्तों जो सेटिंग्स है उसको मैं आप सभी के सामने बताने वाला हूँ, जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट UI। जी हाँ गाइज, ट्रांसपेरेंट UI एक ऐसे सेटिंग्स है जिसको आपको है ना कंट्रोल पे आना है, और उसके बाद अगर आप लोग नीचे स्लाइड करते हो तो या फिर आप एडवांस सेटिंग पे जाओ, ठीक है, कंट्रोल पे आओ, एडवांस सेटिंग पे जाओ, और यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ट्रांसपेरेंट UI मोड आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। हालांकि अभी मेरे साथ ये मैंने डिसेबल करके रखा है। अब गाइज अगर मैं इसको इनेबल करूँ तो क्या होगा, है ना, क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसी चीज को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो मैं आप सभी को सीधा लेके चलता हूं लॉबी पे, और लॉबी पे ले यानी कि इन गेम पे लेके चलता हूं, और वहां पे मैं ये सेटिंग्स आप सभी को करके दिखाता हूं। तो चलो मैं यहां पे सोलो सेटिंग करता हूं और चलते हैं हम लोग एरेंगल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे मैंने एरेंगल लगा लिया है, सोलो मोड लगा लिया है। अब गाइस हम लोग लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद गाइस यहाँ पे अगर मैं आप सभी को नोटिस कराऊं तो यहाँ पे जैसे आप लोग नोटिस करोगे तो नोटिस करने के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे हम सभी को बटन्स देखने को मिलता है। देख सकते हो राइट साइड पे यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हम सभी को देखने को लिए मिला है। अगर आप लोग सामने बंदा है, अगर आप लोग बंदे को शूट करना चाहते हो तो कभी कभी क्या होता है ना उन बटन्स के वजह से आप लोग बंदे को स्पॉट नहीं कर पाते और बंदा आपको है ना क्रेड बना के चला जाता है। राइट, ऐसा क्या सेटिंग्स हो सकता है कि आप सभी है ना इस चीज को ट्रांसपेरेंट कर दो। हालांकि ये जो ट्रांसपेरेंट है ना आप कंट्रोल पे जाके भी इसकी ना पूरा का पूरा इस चीज को ट्रांसपेरेंट बना सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्डली मेंटेन करने के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो गाइस आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लिक में, ठीक है, ऊपर आप देख रहे हो ना ये लोगो, आपको जो BGMI या फिर PUBG मोबाइल का जो भी लोगो दिख रहा है ना, बस सिंपली आप सभी को कंट्रोल पे जाना है और एडवांस में जाने के बाद ट्रांसपेरेंट UI मोड को इनेबल कर देना है और इस लोगो को लॉन्ग प्रेस करना है, तो आपके ये जो बटन सारे के सारे जो बटन दिख रहे हैं ना ये सारे के सारे बटन गायब हो जाएंगे। कैसे होंगे तो चलो आपको मैं लेके चलता हूँ, कंट्रोल पे आए, एडवांस पे आना है, और एडवांस पे आने के बाद उस चीज को आपको इनेबल करना है। तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये जो ऑप्शन है इसको मैं पहले तो इनेबल करता हूँ। ठीक है, तो इनेबल करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते हो, ठीक है, लॉन्ग प्रेस करोगे तो उसके बाद ये है ना शो हो जाएगा। अगर आप डिसेबल करते हो तो गाइस ये है ना यहाँ पे वापस आ जाएगा। लेकिन इसका कुछ सेटिंग्स है, इसको आपको सेटिंग्स करना जरूरी है। सेटिंग्स कैसे होगा तो चलो यहाँ पे मैं पहले तो इनेबल करता हूँ, और इनेबल करने के बाद यहाँ पे कैसे काम करता है यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, बस आपको होल्ड करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली है ना ये काम करना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली आप सभी को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, और लॉन्ग प्रेस करके रखते ही आपका जो है ना बटन है ये बटन पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूंगा इस लोगो के ऊपर, तो इस लोगो के ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस करते ही यहाँ पे सारे के सारे है ना बटन ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक व्यू आपको ये याद रखना है कि कौन सा बटन कहाँ पे है, और आप गाइस आप सभी को है ना हर मैच में वो बटन को याद में रखना है, ताकि यार कोई भी एनिमी अगर बंदा सामने स्पॉट हो तो यार आपको पता होना चाहिए कि जंप बटन, क्राउच बटन और फायर बटन कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से है ना सेटिंग्स करते हो और सामने बंदा आपको देखता है तो यार सोचेगा आपके कंट्रोल्स किधर है यार, आपके कंट्रोल्स बटन ही नहीं देख रहे हैं। राइट, तो ये एक प्रो लेवल की है ना आपकी गेम प्ले हो जाएगी। तो यार चाहो तो इस चीज को है ना इनेबल करके आपके लोगों पे लॉन्ग प्रेस करके इस है ना इसको ट्राई कर सकते हो। फिर से अगर आपको वापस लेके आना है तो सिंपली उसी ऊपर जो आपका PUBG मोबाइल का लोगो जो दिख रहा है, BGMI का जो लोगो दिख रहा है, सिंपली वहां पे आपको लॉन्ग प्रेस करनी है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो सारे के सारे जो बटन है ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइज आई होप कि मैंने आपको सारे चीजें समझा दी है यार ट्रांसपेरेंट UI मोड के ऊपर। कोई भी डाउट हो तो यार आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहें, और गाइस
खेलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।